जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस छोटे से चैनल में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ी सी मदद करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने बच्चों का एक फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूं। जितने भी एक्चुअली एकेडमी में बच्चे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेज जब चल रही होती हैं बच्चों की, तो मैं उनको झटपट क्वेश्चंस करवाती हूं। ये झटपट क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं। इसमें देश दुनिया के बारे में बहुत सारी हम बातें करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग आप लोगों को लर्न करना सिखाते हैं चीज़ें। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, झटपट क्वेश्चन का सेक्शन। उम्मीद है आप लोगों को भी ये सेक्शन पसंद आएगा, आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूं। और ढेर सारे एक्चुअली एक एक लाइन के सिर्फ ये क्वेश्चंस होते हैं, उनके उसमें ही कई बार आंसर्स होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ये क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग रन करते रहते हैं इस चीज़ को। तो 8-10 एक दिन में अगर आप समझ रहे हो तो यानी कि आपको बहुत जल्दी इजीली याद हो जाते हैं ये, और प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये झटपट क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में भी बिठा के रखें, एक या दो बार सुनने में ही आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के झटपट क्वेश्चंस की, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कल्लन नई बांध है। भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में आने वाला अंग्रेजों का पहला जहाज रेड ड्रैगन था। यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है, इसको एस्ट्रोनॉटिक्स बोलते हैं। जैतून की कृषि के अध्ययन को ओलिवो कल्चर कहते हैं। दांत व मसूड़े के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑरिनोथोलॉजी बोलते हैं। पर्वतों के अध्ययन को ऑरोलॉजी बोलते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड्स। हमारा सूरज पृथ्वी से कितनी दूर है? 14.9 किलोमीटर की दूरी पर। सूरज किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर के बना है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर अमर्त्य सेन। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सीवी रमन। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। जापान का मैनचेस्टर कहाँ है? किसे बोला जाता है? ओसाका को। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं हम? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हुआ? कानपुर। उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। केरल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। पश्चिम बंगाल किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खान के लिए। शिरडी साईं बाबा मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में। यमुनोत्री मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। दुनिया का सबसे दुखी जानवर कौन सा है? पोलर बियर। वह कौन सा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता? कैंगरू। हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल का पेड़ होता है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन होता है। पूरा चांद आधे चांद से कितना गुना ज्यादा चमकदार है? 9 गुना ज्यादा। दुनिया में सबसे अच्छा केसर किस देश में मिलता है? कश्मीर, भारत में। भारत की कौन सी नदी का हर पत्थर शिवलिंग जैसा होता है? नर्मदा नदी। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता? नरेंद्र मोदी। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे जो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर्स है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा जिसकी ऊंचाई 153 मीटर्स है। उशिको दायोबुत्सु ऊंचाई 122 मीटर्स। The Motherland Calls, इसकी ऊंचाई 85 मीटर्स है। Statue of Liberty, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर्स है। एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 70 से लेकर 72 बार तक। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर तक। हमारे शरीर में एक दिन में कितना पेशाब, कितना यूरिन बनता है? 1 से 2 लीटर तक। मांसपेशियों का विकास ठीक से न होने के कारण से गालों में डिम्पल पड़ते हैं। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है।
शिक्षा में कौन सा देश नंबर वन पर है? कनाडा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका। दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है? नाइजर। और दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर। सो गाइस, कैसे लगे आपको हमारे झटपट क्वेश्चन? उम्मीद है आपको हमारे झटपट क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा, और जो बच्चे वाकई में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को मिस ना करें, बहुत सीरियसली पढ़ाई करें, टाइम बहुत कम है। वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हैं, सेल्फ स्टडी आप लोग घर में रहें। ऑनलाइन जिन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं 1, 2 या 3 घंटे में, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। हाँ, अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो हाल फिलहाल, तो प्लीज़ अपने टीचर के साथ अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करें। गिवन नंबर पर अगर आप लोगों को बात करनी है किसी भी रिगार्ड्स में, आप बात कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।